हेलो एवरीवन, वेलकम टू कालखंड YT। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सभी स्टेट के GDS रिजल्ट पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और दिल्ली है। तो इन सब में से किस स्टेट का रिजल्ट आपका इस मंथ आ सकता है, कौन सा स्टेट का रिजल्ट जो आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है देखने के लिए मिलेगा, इस पर हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग 4800 पोस्ट के आसपास की वैकेंसी है और इसका लास्ट डेट जो आपका इसी मंथ के 22 तारीख तक है। तो अगर आप लोग फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट जो अभी कुछ ही टाइम पहले प्रोसेस में गया है, आपको पता होगा पिछले मंथ के लास्ट में ही लगभग प्रोसेस में गया है, तो ऐसे में यहाँ का रिजल्ट आने में आपको टाइम लगेगा। और वहीं पे अगर हम लोग बिहार और महाराष्ट्र के बारे में बात करें, तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि बिहार का रिजल्ट जो आपका नवंबर तक आएगा और महाराष्ट्र का रिजल्ट जो आपका अक्टूबर यानी कि अगले मंथ तक आ सकता है। तब तक इसके जो है लगभग 90 दिन पूरे हो जाएंगे और 90 दिन पूरे होने के बाद ही रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें या फिर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो अभी ट्विटर पर रिप्लाई आ रहा है, कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का स्क्रूटनी का वर्क चल रहा है और आंध्र प्रदेश का फाइनलाइजेशन का रिप्लाई बहुत दिनों से आ रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि केरला का रिजल्ट जो अभी रिलीज हुआ था, तो ट्विटर पर इंडिया पोस्ट ने कहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं GDS केरला रिजल्ट डेट जब पूछा गया, तो ट्विटर पर इंडिया पोस्ट ने बताया था कि वो इस मंथ में रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। रिजल्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी अनाउंस दिस मंथ। अगर आप लोग और किसी भी स्टेट का रिजल्ट चेक करेंगे तो ऐसा कुछ रिप्लाई अभी तक नहीं आ रहा है, मतलब इस मंथ के शुरू में आपको किसी भी स्टेट का रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल सकता। हालांकि हो सकता है कि 15 तारीख के बाद जो आपको छत्तीसगढ़ का रिजल्ट, क्योंकि स्क्रूटनी का वर्क चल रहा है, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए, उसके बाद AP का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। दिल्ली का रिजल्ट तो कहाँ अटका, इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आप अगर इंडिया पोस्ट से भी पूछे तो वहाँ पर भी कोई डिटेल नहीं मिलती है, ना ट्विटर पर ना मेल पर। तो इसके लिए तो आप लोगों को ही ट्वीट कर करके जो कुछ करना होगा, सभी मिलकर अगर ट्वीट करते हैं, ट्विटर पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तब जो है कुछ हो सकता है। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।